त्राहि त्राहि जगदम्बिके, ये देव की लाचार है, अन्याय अत्याचार की जंजीर को तोड़वाइए और कंस के इस धाम से कंसाम को छुड़ाइए। आंख खुली तो देखती है एक टोकरा पड़ा हुआ और 60 साल का कीरत भंगी वासुदेव बन खड़ा हुआ। शाम सुबह जो राजमहल की झूठन पाने आता था, रजवाड़े की सारी मासी पतले ले जाता था, कौन जानता किसे खबर थी देव कलम के राज की, के कीरत भंगी लाज रखेगा मेवाड़ी सरताज की। पन्ना बोली कीरत काका, जिसका अंजल खाते हो स्वामी की संतान को बोलो तुम कितना चाहते हो। धूल उड़ी है आज एकाएक सांगा कुल के तेज पर और महाराणा का पूत पड़ा है अंगारों की सेक पर। बुढ़ी आंखों ने तब देखो शेर के अंदाज से और सुनो सुनो ए मित्रों, ये उस भंगी के अल्फाज से कि माता मुझको हुक्म करे मैं क्या सेवा कर सकता हूँ और अभी काक मस्तक अपना इन चरणों में धर सकता हूँ, अपनी सारी उम्र गुजारी गोकुल जैसे धाम पर और 7 जन्म तक प्राण निछावर सूर्य वंश के नाम पर। भगवान करे श्री राजकुमार का कभी न पाका केश हो और कीरत बंगी हाजिर है मातेश्वरी आदेश को। तत्पश्चात पन्ना धाय ने कीरत के उस टोकरे में उदय सिंह को लिटा दिया, ऊपर से झूठी पतले ढक कर वो टोकरा कीरत के माथे पर देकर कीरत को वहां से रवाना कर दिया। कीरत की तरफ किसी ने ध्यान इसलिए नहीं लगाया कि कीरत हमेशा सफाई करने के लिए आता था। आगे का प्रसंग सुनिए। टोकरिया में उदय सिंह अपने अंग समेटे थे, ये वासुदेव के पल्ले में जो कृष्ण कन्हैया लेटे थे, कौन जानता था रेशम और मखमलों को छोड़कर और सोएगा सांगा का बेटा झूठी पतले ओढ़कर। जाइए मेवाड़ पुत्र, पन्ना कह रहे कीरत से कि जाइए मेवाड़ पुत्र, आशीष मेरा साथ है और आज माथे पर तुम्हारे सांगा कुल की लाज है। भूल न पाएगा कभी इतिहास इस एहसान को कि दे रहा है आज सहारा एक तिनका नाम को। कीरत के उस टोकरे में राजकुमार को भेज दिया और इधर यमराज के हाथों अपना बेटा बेच दिया। ये माँ पन्ना पन्ना जगो, आज मेवाड़ का अस्तित्व खतरे में है। मनवीर अपनी तलवार लेकर के उदय सिंह को मारने के लिए चल पड़ा है। ऐसे समय में अब ये तुम्हारे पर है, इस मेवाड़ का अस्तित्व कैसे बचे। इतनी सी बात सुन करके पन्ना के दिमाग पे आया, मैं इस उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकता हूँ, और इसलिए उसने अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी दादा काका तुम आओ और आकर के ये मेवाड़ का जो भविष्य है इसको इस ये जो अपना फल का टोकरा है इसमें इसको बिठाते हूँ और ऊपर पत्तल और दूने डाल देती हूँ, तुम लेकर के इसको सुरक्षित निकल जाओ। आप विचार कर सकते हो एक महाराणा मेवाड़ का होने वाला भविष्य पत्तल धोने में ढक करके जाता है और सुरक्षित निकल जाता है। और बनवीर आता है और जब पूछता है